कंटेंट हर तरह का जो मवाद है, हर तरह का जो मवाद है उसको हम कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड में हम हर तरह का लिखा हुआ भी हो सकता है आपका कंटेंट, ठीक है, मवाद जो है, मटेरियल जो है लिखा हुआ भी हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे ये आर्टिकल राइटिंग है ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम रिटन जो कंटेंट बोल सकते हैं, या इसको हम मतलब टेक्स्ट कंटेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आपको इस लेक्चर की सिर्फ ऑडियो सुनवा दी जाए तो आर्टिकल राइटिंग का वर्ड तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो बोला हुआ वर्ड है, ये जो मतलब आप समझ लें इसको ऑडियो जो कंटेंट है इसको हम ऑडियो कंटेंट कह देंगे, ठीक है। और अगर साथ साथ जो है वो वीडियो भी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम वीडियो कंटेंट बोलेंगे। कंटेंट जो है वो हर तरह का मवाद, हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह का डाटा, हर तरह की इंफॉर्मेशन कंटेंट कहलाती है, ठीक है। कंटेंट की किस्में हैं, टेक्स्ट कंटेंट एक अलग चीज है, ठीक है, वीडियो कंटेंट एक अलग चीज है, उसके बाद जो है ऑडियो कंटेंट एक अलग चीज है, ठीक है। इसी तरह से इमेज भी जो है, तस्वीरें भी जो है वो कंटेंट का मतलब कंटेंट की एक किस्म है, ठीक है। बाज़ुकात इमेज होती है और वो इमेज से ही सारी मालूमात मिल जाती है हमें, ठीक है, वो भी एक कंटेंट है। अगर किसी जगह की तस्वीर है मतलब कोई भी इमेज है वो एक बजाते खुद वो भी एक कंटेंट है, ठीक है। तो इमेज वीडियो ऑडियो और टेक्स्ट, ठीक है, चार तरह का कंटेंट, और भी बहुत सी किस्में हैं कंटेंट की, खैर जो हम जिन पे बात करेंगे वो ये चार कंटेंट की किस्में हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट हो गया, लेकिन कंटेंट की जब हम कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट में तमाम तरह का कंटेंट आ जाएगा, उसमें ऑडियो कंटेंट भी आ जाएगा, उसमें टेक्स्ट कंटेंट भी आ जाएगा, उसमें वीडियो कंटेंट भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें इमेज कंटेंट भी आ जाएगा।